السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله ये कैसी फजीलत वाले हैं, ये किस तरह एहतराम वाले हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने जब इनको पाक फरमा दी या आलूदगी से, तो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या ये गुमराह हो सकते हैं? ये क्या ये जहन्नम में जाएंगे? रसूलुल्लाह ने अपनी औलाद के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, कुफ्फार मुशरिकीन ताना दे दिया करते थे कि रसूलुल्लाह के पैगंबर के पास नरीना कोई औलाद नहीं, ये माज़ल्लाह मुनक़तउ नस्ल है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन सबका हसब नसब मुनक़ता हो जाएगा, इल्ला नसबी वो सबबी, अलावा मेरे नसब और मेरे सबब के। कयामत के दिन ये रिश्ता मुनक़ता नहीं होगा। जिसको रसूलुल्लाह से यहां रिश्ता है, उसका इलाका वहां भी रहेगा। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीम फरमाते हैं, अरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाका में आ जा, रसूल के दामन करम में आ जा। रसूलुल्लाह ने नसबी फरमाया है और रसूलुल्लाह ने सबबी फरमाया है। नसब में रसूलुल्लाह की नसब है और सबब में रसूलुल्लाह की मुत्तबईन उम्मत है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुन से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुन से, और कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कयामत में अगर मान गया। अल्लाह अल्लाह। आप जरा मुलाहजा फरमाइए, नबी कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहजादी की बात और हजरत इमाम हसन हुसैन की बात चल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादी के घर शाबान के महीना में हजरत इमाम हुसैन की वलादत बसादत होती है। शाबान की 5 तारीख को हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए और रमजान की 15 तारीख को हजरत इमाम हसन पैदा हुए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों की पैदाइश 6 महीना में हुई है। अपने मुशफिका और मोहतरमा मां के शिकम में हजरत इमाम हुसैन 6 महीना रहे हैं। अल्लाह अकबर। यह भी खसूसियत जरा हजरत इमाम हुसैन की देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह तुलू हो रही है, रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, तब तक आका की बारगाह में आपकी चची हजरत अब्बास की बीवी दौड़ती हुई आई और घबराई हुई है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मुझे बड़ी बेचैनी है, मुझे बड़ी घबराहट है। आका ने इरशाद फरमाया, चची क्या बात है? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आज मैंने बहुत परेशान कुन ख्वाब देखा है, बहुत खराब मैंने ख्वाब देखा है। या रसूल अल्लाह, मेरी जबान कांप रही है कि मैं बयान करूं। या रसूल अल्लाह, मुझको बड़ी घबराहट हो रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बयान करो तुम्हारा ख्वाब कैसा है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत खराब ख्वाब है, बहुत ही घबरा देने वाला ख्वाब है। आका फरमाते हैं, आखिर बयान तो करो। तो वो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने ये ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म पाक का एक हिस्सा काट करके मेरी गोद में रखा गया है। या रसूल अल्लाह, मैंने ये ख्वाब देखा है। आका मुस्कुरा पड़े। आका फरमाते हैं, आपने बहुत बेहतर ख्वाब देखा है, अनकरीब इंशाअल्लाह मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के घर बच्चे की पैदाइश की खबर दे रहे हैं। कहां हैं वो लोग जो कह दिया करते हैं कि क्या पता किसी को गैब का इल्म? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ख्वाब बयान किया जाता है, बयान करने वाली चची हैं, आका ख्वाब की ताबीर बयान फरमा रहे हैं और गैब का इल्म भी दे रहे हैं, तुम्हारी गोद में और बच्चा रखा जाएगा पहले पहले। चुनांचे जब हजरत इमाम हुसैन की वलादत बसआदत 5 शाबानुल मुअज्जम को होती है, तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल की चची ही की गोद में हजरत इमाम हुसैन लाए जाते हैं। ख्वाब देखा था कि या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म पाक का एक टुकड़ा मेरी गोद में रखा गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सुनते हैं, तो हजरत फातिमा के घर फिर मेरे आका तशरीफ ले गए। हजरत इमाम अली मकाम को कपड़े में लपेट कर लाया गया, नबी कौनैन की बारगाह में पेश कर दिया गया। आका ने अपने दस्ते पाक में लिया और लेने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भी लुआब, अपने लुआब दहन को उनके भी दहने पाक में डाल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने हजरत इमाम हुसैन को भी बोसा लिया, हजरत इमाम हुसैन की आंखों को चूमा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में लेकर के
आपके गले को भी चूम रहे हैं। इमाम हसन को चूमते थे तो उनके मुंह को चूमते थे, रुखसार को, लेकिन जब जब हजरत इमाम हुसैन को चूमते थे तो आपके मुंह को भी चूमते थे और आपके गले को चूमते थे। एक मरतबा नबी की शहजादी हजरत खातून जन्नत ने पूछा भी था, अब्बा हुजूर सारे लोग अपने बच्चों का चेहरा चूमा करते हैं और आप जब हुसैन को चूमते हैं तो हुसैन का गला भी चूमा करते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस नबुवत वाली आंखें भीग गई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह के हबीब अपना लुआबे दहन हजरत इमाम हुसैन के मुकद्दस दहने पाक में डाल रहे हैं, आपने अपनी उंगली भी इमाम हुसैन के मुंह में दे दिया, उंगली चूस रहे हैं। करबला के मैदान में प्यासा रहना है, नबुवत वाली उंगली आज ही चूस ले रहे हैं। करबला के मैदान में प्यास से रह करके इम्तिहान देना है, नबुवत वाली उंगली आज ही चूस रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिस रसूल ने अपनी उंगलियों से सहाबा को पानी पिला दिया था वही रसूल अपनी उंगली इमाम हुसैन के मुंह में डाले हुए हैं। अल्लाह के रसूल के मुकद्दस उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा उबला था और प्यासे सहाबा ने पिया था, तो रसूलुल्लाह जब इमाम हुसैन के मुंह में उंगली डाल रहे हैं तो आखिर क्यों उंगली को डाला, क्यों चूस रहे हैं? हुसैन आज ही चूस लो, हुसैन आज ही आबे कौसर से सैराब हो जाओ, हुसैन आज ही जन्नती पानी से सैराब हो जाओ, हुसैन इसलिए कि करबला के मैदान में जब पानी का जोश और जज्बा देकर के तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा तो तुमको करबला की प्यास मुतज़लज़ल नहीं कर सकती है, तुम्हारे पाए लज़िश में फर्क नहीं आ सकता है। हुसैन तुमने रसूलुल्लाह की उंगली चूसी है, रसूलुल्लाह ने प्यासे सहाबा को अपनी उंगलियों की घाइयों से पानी पिला दिया था, इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस उंगली पाक को हजरत इमाम हुसैन चूस रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हसन हुसैन अपनी माँ की गोद में हैं, अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरबियत का बहुत ख्याल रख रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन का भी आपने अकीका किया, हुसैन नाम रखा, रसूलुल्लाह की गोद में आकर हजरत इमाम हसन बैठ जाते हैं, इमाम हुसैन बैठ जाते हैं। मेरे साका आका के शहजादे गिरामी हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हो थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में एक मरतबा आपके शहजादे हजरत इब्राहिम थे और हजरत इमाम हुसैन भी पहुंच गए। एक तरफ अपना शहजादा है, एक तरफ शहजादी का शहजादा है। इंसान की फितरत होती है, वो लोग जिनके बच्चियों के बच्चे हैं वो खुद महसूस कराएं कि बच्ची का बच्चा कितना प्यारा हुआ करता है। जब वो अपनी जबान से लफ्ज़ नाना कहता है तो बाप का कलेजा उछल जाता है, ये मेरी बेटी का बेटा है, ये मेरी बेटी की बेटी है, उसका दिल फूले नहीं समाता है, बड़ी खुशी हासिल होती है। ये फितरत है इंसान की कि अपने बच्ची के बच्चों से बड़ी मोहब्बत हुआ करती है। आप जरा मुलाहजा फरमाएं, अगर इस नौयत में आप पहुंचे हुए हैं तो आप अपनी मोहब्बत को देखें, रसूलुल्लाह से भी बड़ी मोहब्बत है। अगर आपकी गोद में एक तरफ आपका नमासा हो और आपकी गोद में एक तरफ आपका बच्चा हो और मुतालबा किया जाए कि आप नमासे को रखो या बच्चे को रखो, तो आप अपनी फितरत का हमें जवाब दीजिए। आपकी फितरत वहां अब जरूर जोश में आ जाएगी कि नमासा नमासा है, कुछ भी है, मेरी बच्ची का बच्चा है, इतना लंबा रिश्ता तो जरूर है मगर ये मेरा लखते जिगर है। आप अपने ही बच्चे को तरजीह देंगे। आओ जरा रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाहजा फरमाओ, बिला मिसाल समझो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह, आज दोनों शहजादे जलवा अफरोज हैं, एक तरफ है रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल हजरत इब्राहिम हैं और एक तरफ खातून जन्नत फातिमा जहरा के लाल हजरत इमाम हुसैन हैं। ए अल्लाह के हबीब, रब ने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है कि मेरे महबूब को दोनों शहजादे बड़े प्यारे हैं, इसलिए मैं एक ही को महबूब के पास रहने देना चाहता हूं, एक को मैं ले लेना चाहता हूं। जिब्रील जाओ मेरे महबूब से पूछ लो, जिसका इंतखाब कर ले उसको रोक लिया जाए और जिसको दे उसे ले लिया जाए। जरा अल्लाह की मशीयत तो मुलाहजा फरमाओ। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इजाजत
इजाजत लेने के लिए अल्लाह ताला हजरत जिब्रील को भेज रहा है। रसूल का इख्तियार तो देखो, रसूल का वकार तो देखो, प्यारे सब कुछ करने वाला मौला ही है, मगर अपने महबूब की अजमत का इजहार किस तरह से कर रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हुसैन की तरफ देखते और कभी हजरत इब्राहिम की तरफ देखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील मुझे हुसैन पसंद है, जिब्रील मैं हुसैन को रखना चाहता हूं, इब्राहिम तो पसंद ही है, मेरे लखते जिगर हैं, लेकिन अगर मैं हुसैन को वापस करता हूं तो मुझे भी तकलीफ होगी, फातिमा को भी तकलीफ हो जाएगी, और इब्राहिम को देता हूं तो मुझे तकलीफ होगी मगर मेरे तकलीफ के मुकाबले में उतनी तकलीफ औरों को नहीं होगी। रसूलुल्लाह को अब भी नहीं गवारा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन के ताल्लुक से मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ पहुंचे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवारा नहीं है। और खुदा की कसम कब गवारा हो रसूलुल्लाह को, जब रसूल की बेटी हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा के विसाल का वक्त आया है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की रूह को कब्ज करने के लिए मलकल मौत नहीं आए हैं, मलकल मौत सारे लोगों की रूह कब्ज कर रहे हैं। कैसा भी बादशाह हो उसकी रलबा उसकी रूह मलकल मौत कब्ज करेंगे, कोई वली हो उसकी रूह मलकल मौत कब्ज करेंगे, गौसो अब्दाल कुतुब हो उसकी रूह मलकल मौत कब्ज करेंगे, तमाम सहाबा की रूहों को मलकल मौत ने कब्ज किया है। लेकिन जब मलकल मौत को हजरत फातिमा की रूह कब्ज करने की बारी आती है तो अर्ज करते हैं परवरदिगार रसूलुल्लाह की शहजादी का मामला है, मैं रसूलुल्लाह की शहजादी की रूह को कब्ज ना करूंगा। तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत फातिमा की मुकद्दस रूह को कब्ज फरमाया, वो रसूलुल्लाह की बेटी का वकार है। आओ जरा देखो हुसैन के चाहत की बात आई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से कहा मैं हुसैन को रख रहा हूं, चंद दिन के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे गिरामी इस दुनिया से चल बसे। आज भी जन्नतुल बकी शरीफ में हजरत इब्राहिम का मजार अनवर है, और जब तुर्क हुकूमत थी हिंदुस्तान में 532 बरस, जब तुर्क हुकूमत थी अरबिस्तान में 532 बरस तक तुर्कों ने हुकूमत की थी और यूरोप के छक्के छोड़ा दिए थे उन तुर्कों ने, तमाम मशहूर सहाबा जिनके कब्रों की निशानदेही की गई उनके कब्रों पर अच्छे अच्छे गुंबद बनवा दिए थे, लोग जाते थे अकीदत बढ़ जाती थी और सहाबा की जिंदगियां याद आ जाया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे गिरामी वकार हजरत इब्राहिम की कब्र अनवर पर भी तुर्क हुक्मरानों ने गुंबद शरीफ बनवा दिया था, लेकिन जब सऊदी हुकूमत बरकत कायम होती है तो इसने सारे कुब्बों को तोड़ दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मजारात को तोड़ा, हजरत उस्मान गनी के मजार को तोड़ा, हजरत आयशा सिद्दीका के कब्र अनवर के गुंबद को तोड़ा, हजरत खदीजतुल कुबरा के कब्र अनवर की गुंबद को तोड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरमा के कब्र अनवर पर गुंबद बना हुआ था उस गुंबद को इन लोगों ने 99 में तोड़ा। ये तोड़ते चले जा रहे हैं और अब तो बताऊंगा तो खून के आंसू रोगे मुसलमानों, बात आ गई हो तो बता दूं और इंसाफ आपसे मैं चाहता हूं, बताओ मदीना हरम है कि नहीं, मक्का शरीफ हरम है कि नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां से लेकर के यहां तक मक्का को हरम बनाया है और मैं यहां से यहां तक लेकर के मदीना को हरम बना रहा हूं, जिस हरम में किसी परिंदा को नहीं मार सकते हो, जिस हरम के तकद्दुस का ऐलान रब कुरान में बयान फरमा रहा है, जिस अरब के पका पाकीज़ा माहौल के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि उखरुजुल यहूदा वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, अरब के जज़ीरा में नसारा ना दाखिल होने पाए, अरब के जज़ीरा में वो यहूद ना दाखिल होने पाए, जिस रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन शैतान कद ऐसा नानता बदला नामा फी जज़ीरतिल अरब, शैतान मायूस कर दिया गया है कि अरब के जज़ीरा में बुतों की पूजा हो, अरब के जज़ीरा में असनाम पूजे जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वही मुकद्दस हरम है जिस मुकद्दस हरम में सऊदी ने हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम इंजीनियरों का दाखला कर लिया है, इंजीनियर हिंदुस्तान से गैर मुस्लिम जा रहा है, मुकद्दस हरम का तकद्दस बर्बाद करने वाली ये नजद की हरामी औलाद है, इनके ताल्लुक से आज भी तुम सफाई पेश किया करते हो। खुदा की कसम अल्लाह के रसूल के चहेते वली हजरत मुफ्ती आजम हिंद बरेलवी रजी अल्लाह ताला उन्होंने जब देखा था तो रब की बारगाह में दुआ मांगी थी, या अल्लाह नजदियों से मदीना को पाक फरमा दे, मक्का को पाक फरमा दे, या अल्लाह करम फरमा दे नजदी बला दूर हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं, तेरे हबीबो का प्यारा चमन किया बर्बाद,
याद इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से इलाही निकले। आप कहोगे कि सुभानी साहब जोशे ईमानी में आप क्या बयान कर रहे हो, उठाओ 26 फरवरी का इसी हिंदुस्तान अखबार उर्दू में जो शाया होता है, इसी बंबई में शाया होता है, उस पर पढ़ा लिखा हुआ है, पढ़ो देखो कि ये सब इस्लाम में पहला नादिर वाकया यह हो रहा है जब से इस्लाम फैला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने यहूद और नसारा को निकाल दिया था और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल वेदा के मौका पर फरमाया था अब सारे जाहिलियत के रस्मों को पांव तले रौद रहा हूं और हजरत रसूल कौनैन ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा था कि अब आज से कोई काफिर मुशरिक काबतुल्लाह का हज नहीं कर सकता है, हज करने से रोक दिया गया था, पाक कर दिया गया था, मक्का शरीफ मदीना शरीफ को हरम करार दे दिया गया था। आज उसी हरम मोहतरम में गैर मुस्लिम इंजीनियरों का दाखिला हो रहा है, गैर मुस्लिम जा रहे हैं, जरा पेपरों को पढ़ करके देखो और अपने माथे को ठोंक लो और अफसोस जाहिर करो। तुम सदमे न हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। इतनी बड़ी हरकत तो यजीद ने भी नहीं किया था, यजीद ने जरूर मस्जिद नबवी के तकद्दस को पाबाल किया, लेकिन आप जरा देखो मुलाहजा करो उसके दौरे हुकूमत में भी कोई काफिर हरम में दाखिल नहीं होने पाया था। ये अपने आप को सोच ले कि ये किस कटघरे में रखे जाएंगे, इनकी मंजिल क्या होगी, इनका ठिकाना क्या होगा। खुदा की कसम रब ने इरशाद फरमाया है कि जिसने रसूलुल्लाह को ईज़ा दिया, अल्लाह को ईज़ा दिया, वअअद्दा लहुम, अल्लाह ताला ने उनके लिए अजाब को मुतय्यन फरमा दिया है, उनके लिए अजाब आखिरत में तैयार कर रखा है, बड़ा कड़ा अजाब होगा, बड़ी सख्त सजा होगी। मैं बात कर रहा था हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हुसैन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे गिरामी वकार हजरत इब्राहिम की। हजरत इब्राहिम से यह बात चली और यहां तक पहुंच गई। अब आओ देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस गोद में हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघ लिया करते हैं, इमाम हसन बैठे हुए हैं, नबी सूंघ लिया करते हैं और कभी कभी मेरे आका इरशाद फरमा दिया करते थे अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। नबी फरमाते थे हुमा रहानी फिद दुनिया, ये दोनों दुनिया में मेरे जन्नत की खुशबू हैं। नबी कौनैन दोनों को चूमा करते थे और नबी कौनैन दोनों को सूंघा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन को अपनी गोद में लिए हैं, हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिए हैं, सूंघ रहे हैं और चूम रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ में हैं, खुतबा दे रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, जुमा का दिन है, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की बड़ी छोटी छोटी उम्र है, ये दोनों शहजादे गिरामे वकार भी मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं और जैसे मस्जिद में दाखिल हुए अल्लाह के रसूल की मुकद्दस निगाह पड़ गई। मेरे सरकार ने अपने दोनों शहजादों को मस्जिद में आते हुए अपनी तरफ देखा, आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे असहाब मेरे दोनों शहजादों को जगह दे दो आने के लिए। असहाब पगल हो जाते हैं और दोनों शहजादे तेज रफ्तार चले आ रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं, हजरत अबू बकर देख रहे हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब देख रहे हैं। यही तो जुमला हजरत उमर ने फरमाया था शहरबानों के मुकाबले में कि तू अगर ईरान की बादशाह की शहजादी है तो मेरे पास भी कौनैन के सुल्तान दो जहां के शहजादे हुसैन हैं और आपने निकाह फरमा दिया था। आओ देखो हजरत उमर ने भी सुना था मेरे शहजादों को आने दो, हजरत अबू बकर सुन रहे हैं मेरे शहजादों को आने दो, दोनों शहजादे चले आ रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए, मेरे आका की गोद में बैठते हैं तो कभी सरकार के दहने पाक पर अपने हाथ को ले जाते हैं, बचपन का माहौल जरा देखिए, कभी रसूलुल्लाह की मुकद्दस जुल्फों को पकड़ लेते हैं, कभी नाना जान के दोषे मुबारक के करीब खड़े होकर के नाना जान के दोषे मुबारक पर जाने लगते हैं, यह अंदाज होता है। मेरे आका मुस्कुरा पड़ते हैं और कहते हैं ए लोगो देखो देखो ये औलादे हैं, इनकी मोहब्बत जरा देखो, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से मोहब्बत फरमाया है। और यहां तक मौर्रखीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाते तो इमाम अली मकाम का तो यहां तक हाल था, ये इमामैन करीमैन आते तो अपने नाना जान के पुश्त पर सवार हो जाते। हालत नमाज में आप हो, आपका बच्चा अगर आपकी पीठ पर बैठ रहा है तो औरत देखे तो खींच लेगी, कोई और देखे तो खींच लेगा। आप नमाज के बाद भी समझा देंगे कि बेटा जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो ना मेरे सामने से आओ ना मुझे छुओ, आप ये जरूर कह देंगे, लेकिन उठाओ रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सीरत और देखो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और सजदा में जाते तो
حضرت امام علی مقام سجدہ کرنے میں جو جگہ بیچ میں سینے کے خالی ہوتی ہے اس راستہ سے نکل کر کے اور پشت پر سوار ہوتے, پھر اس راستہ سے نکلتے اور پشت پر سوار ہوتے, اور جب میرے آقا سجدہ میں ہوتے سرکار کے پاؤں شریف کے بیچ سے حضرت امام حسین نکلتے. کھیلنے کا انداز ذرا دیکھو, اس طرح سے اپنے نانا جان کی گود میں, اپنے نانا جان کی عبادت کے حال میں نانا جان سے مچل رہے ہیں امام علی مقام. لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, محدثین و مورخین گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے اس حرکت پر امام حسین کو نہ تو ڈانٹا ہے اور نہ تو یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ تم نے اپنے بچوں کو روکو جب نماز میں پڑھنے لگوں تو ایسی حرکت نہ کریں, نہیں نہیں, بلکہ میرے آقا مسکرا دیا کرتے تھے. اور یہاں تک بات آئی ہے کہ اگر رسول اللہ کے پشت انور پر حسین ہوتے تو رسول اللہ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے, اور جب تک خود حسین نہ اتر جائیں تب تک رسول اللہ کا سر سجدہ سے نہیں اٹھ رہا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, تجزیہ کیجئے اور جائزہ لیجئے, میرے حسین کی ذات گرامی وہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو جائیں تو نبی اپنا سجدہ لمبا فرما دیں. امام حسین کے ذریعہ سے نبی کا سجدہ لمبا ہو رہا ہے, میرے امام حسین اللہ اکبر. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لے کر کے بیٹھے ہیں, بہت محبت ہے. تب تک ایک فرشتے کی حاضری ہوئی, فرشتے نے سلام عرض کیا, عرض کیا یا رسول اللہ ان سے آپ کو بڑی محبت ہے؟ ہاں مجھے بڑی محبت ہے یا رسول اللہ, آپ ان سے محبت کرتے ہیں مگر ان کو آپ کی امت شہید کر دے گی, یہ شہید کر دیے جائیں گے یا رسول اللہ, اور جس جگہ پر یہ شہید ہوں گے اس جگہ کی یہ مٹی ہے یا رسول اللہ, اس کو آپ لیں. میرے آقا نے اس مٹی کو اپنے دست نبوت میں لے لیا, اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے فرمایا آؤ تم اس مٹی کو رکھ لو, یہ میرا بیٹا حسین فرشتہ ابھی خبر دے کر کے گیا ہے جب شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی خون بن جائے گی. نبی کونین کی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ نے اس کو محفوظ کر لیا ایک برتن میں. سرکار کی نگاہ مقدس آنسو جاری ہیں, مولا کائنات آ گئے بیٹھ گئے, امام حسین بھی ہیں, حضرت علی کی آنکھوں سے بھی فطری طور پر آنسو جاری ہو گئے. خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا آ گئیں, عرض کرتی ہیں ابا حضور رونے کا سبب, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا, حضرت علی کا چہرہ دیکھا, اور دیکھنے کے بعد نگاہ نبوت سے آنسو برسنے لگے. عرض کرتی ہیں ابا حضور آخر کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری بیٹی اے علی سنو, ابھی ابھی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے یہ بتا کر کے گیا ہے کہ حسین کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے, اور جس میدان میں میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا اس کی مٹی بھی فرشتہ دے کر کے گیا ہے, وہ فرشتہ آج تک میرے پاس نہیں آیا تھا, پہلی بار میرے پاس آیا ہے. اتنا کہہ کر کے میرے آقا پھر رونے لگے, حضرت فاطمہ کی بھی آنکھیں رونے لگی, حضرت علی بھی رونے لگے, نبی کونین کے دستے نبوت اٹھ گئے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنے حسین کا چہرہ دیکھتے ہوئے, اللہم آتل حسین صبر و اجر, اے پروردگار میرے حسین کو صبر عطا فرما دینا, میرے حسین کو اجر عطا فرما. اللہ کے حبیب صبر و اجر کی دعا مانگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہ محبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت امام حسن سے بھی بڑی محبت ہے. اللہ اکبر, اب اس بات کو تو یہی رہنے دیں, حضرت امام حسن کے تعلق سے سن لیں. حضرت امام حسن کو دیکھتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بچے کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مقبول بندوں کو درجے عطا فرماتا ہے, تمام نبیوں اور رسولوں کو درجے ملے, اور سارے نبیوں اور رسولوں کو جو درجے ملے وہ سارے اجتماعی درجے, وہ ساری فضیلتیں میرے آقا کو ملی. نبیوں کو شہادت ملی, شہادت کا درجہ کسی کو ظاہری طور پر ملا, کسی کو باطنی طور پر ملا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی شہادت کا درجہ رب تعالیٰ کو عطا فرمانا ہے, مگر کس حیثیت سے, کس انداز سے, آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شہادت ظاہری کا درجہ ملتا ہے تو باطنی کا درجہ کیسے حاصل ہوگا, اور باطنی کا درجہ ملتا ہے تو ظاہری کا کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے باطنی اور ظاہری دونوں شہادت کا درجہ حضرت امام حسن و حسین کے ذریعہ سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے, اور دونوں نواسوں کی عزت بڑھ رہی ہے. آپ اور ہم کہتے ہیں, ہمارا اور آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی
जाते हसनैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। तमसील ने उसके दो हिस्से किए, तमसील ने उसके दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हसन का मुकद्दस चेहरा सीने तक सरकार की शबीह, और सीने से लेकर के पांव तक हजरत इमाम हुसैन का जिसमें पाक सरकार की शबीह। और जब दोनों भाई खड़े हो जाते तो तस्वीर मुस्तफा बन जाया करते थे। अल्लाहु अकबर। वो हजरत इमाम हसन है, वो हजरत इमाम हुसैन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितना अपने नवासों को चाह रहे हैं। नबी बैठे हुए हैं, बड़ी मोहब्बत है। दोनों भाई पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तख्ती लिखा। बड़ा मशहूर वाकया है तख्ती वाला। लोग तो शेर शायरी में भी तख्ती का वाकया बयान करते रहते हैं, और अब तो बड़ा अजीब अजीब मामला है प्यारे। कव्वाल लोग करामतों को, सरकार के मौजजात को अपनी कव्वालियों में ढोल के नशे में टप 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 डबाते रहते हैं और गाते रहते हैं, हराम खोर कहीं के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजजात को, कुरान की आयतों को, औलिया किराम की करामतों को मजामीर पर बजा बजा करके लोगों के सामने पेश करते हो, यह शैतानी रक्स है। ये करामतों और मौजजात का पेश करना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी हरामकारी है। और निस्बत देते हैं कि बरेलीवी लोग कव्वाली करते हैं। ला दिखाओ तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो, कि कहीं आला हजरत ने लिखा हो कि कव्वाली मजारों पर करो। कव्वाली जो लोग करते हैं उनकी गिरफ्त करो। जो लोग मजारों पर औरतों को ले ले जा करके और झाड़ू पीट पीट करके नजराना वसूल करते हैं उनकी गिरफ्त करो। आला हजरत ने जो लिखा है उनकी किताब पढ़ो, और इस तेल की निस्बत बरेलवियों की तरफ मत करो। सुनो, पेश डाला इन बदमलों ने रूहानियत का मामला, बुजुर्गों के मजारात के वकार को। मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना है, ताजिया बना करके बेहुर्मती का मामला पेश करेंगे, और ये तसव्वुर करेंगे कि इमाम साहब की रूह इसमें आती है, ये इमाम साहब का रौजा है, ले जाकर के समंदर में फेंक करके तजिया माल करेंगे और कहेंगे हम इमाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। नारा लगाते हुए न जाने किस किस्म का चलेंगे, धुआं धुक्कुर सुलगाएंगे और सवारी लेकर के चलेंगे। गुमराही फैलाने वाले बदमलो, डरो खुदा के खौफ से, इमाम अली मकाम की रूह को ना दुख दो। ताजिया से इमाम की रूह नहीं खुश होगी, ढोल से नहीं खुश होगी, तासे से नहीं खुश होगी। तो कुरान पढ़ने शहादत के दिन इमाम की रूह खुश हो जाएगी, तो रोजा रखने शहादत के दिन इमाम की रूह खुश हो जाएगी, तो गरीबों को खाना खिला दे इमाम की रूह खुश हो जाएगी, तो गरीबों को कपड़ा पहना दे इमाम की रूह खुश हो जाएगी। इमाम के नक्श कदम पर चल करके इमाम की रूह को खुश करो। ताजिया ढोल बाजा गाजा से इमाम की रूह खुश नहीं होगी, बल्कि इमाम का रूहानी फटकार तुम पर पड़ेगा। यह जुमला जब बोल देता हूं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है कि सुभानी साहब तो ताजियादारी के खिलाफ बोलते हैं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। ताजिया रखना जब हराम है, हराम है तो बोला क्या जाए। आला हजरत से सवाल किया गया कि ताजियादारी क्या है, तो फरमाते हैं मुरव्वजा ताजियादारी हराम है, हराम है, हराम। निस्बत दी जाती है, बरेलवी लोग हैं या बिदाती लोग हैं, बेच डाला आबरू को। हजरत इमाम हसन हुसैन की तहरीक को समझो। हजरत इमाम हसन को, हजरत इमाम हुसैन को किस तरह अल्लाह के हबीब चाह रहे हैं। दोनों शहजादे हैं, नबी की बारगाह में मचलते हुए अपने खत को, तख्ती को लेकर के पहुंच गए लिख करके। आज भी अपने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाओ। इमाम अली मकाम अपने बचपन में लिखने के पैगाम से नाना जान के उम्मतियों को लिखने का पैगाम दे रहे हैं। हुसैन ने बचपन में लिखा पढ़ा है, अपने बच्चों को बचपन में लिखाओ पढ़ाओ। ये हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी से सबक मिल रहा है। लेकिन बच्चों को सिर्फ टीवी दिखाओ, बच्चों को सिर्फ मेले में घुमाओ, बच्चों को सिर्फ बेहया बनाओ, और जब बेहया बनने के बाद तुम्हारी गर्दन पर ये लाठ रख करके दबाते हैं और तुम्हारी जबान निकलती है, तब कहते हो मौलाना साहब से तावीज लिखवा करके लाओ, मेरा बेटा नाफरमान हो गया है, बेटे को फरमा बरदार बनाना चाहते हो। तो नबी की बेटी फातिमा ने जिस तरह से अपना खून जिगर पिलाया था अपने शहजादों को, अपना दूध पिलाया था अपने शहजादों को, उस तरह से मां बन करके अपने बच्चे को दूध पिलाए, बच्चा वफादार होगा, बच्चा मुजाहिद बनेगा, बच्चा हलाल खोर बनेगा, बच्चा अपने मां बाप के कदमों पर अपनी जिंदगी हरदम कुर्बान करने वाला बनेगा। इस तौर पर तुम्हें हजरत इमाम हसन हुसैन की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। तख्ती दोनों शहजादों ने पेश कर दी, कहा नाना के हुजूर, नाना हम खत लिख करके लाए हैं, हमारी तख्ती को आप मुलाहजा फरमाएं। लेकिन नहीं, तख्ती को अम्मा के पास ले गए थे। हजरत खातून जन्नत ने फरमाया अपने बाप के पास जाओ। हजरत अली के पास आए, अब्बा हुजूर हम ये तख्ती लिख करके लाए हैं, आप जरा फैसला तो कर दीजिए, तहरीर किसकी अच्छी लग रही है, किताबत किसकी बेहतरीन है,
نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس حضرت علی کے لیے فرمایا تھا کہ فیصلے کا نو حصہ ان کو دیا گیا ہے, جب یہ حضرت علی اپنے دونوں شہزادوں کی تختی کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ کا قضا کا قانون آپ کا دامنگیر ہوتا ہے. علی اپنے فیصلے کو روک لو اگر کہتے ہو کہ حسین تیری تحریر ٹھیک ہے تو حسن کی دل شکنی ہوگی, اور کہتے ہو حسن کی تحریر ٹھیک ہے تو حسین کی دل شکنی ہوگی, فیصلہ کس کے لیے کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تم دونوں شہزادے اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ. یہ دونوں شہزادے مچلتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کریم پر پہنچ گئے. نانا نانا آواز دی جاتی ہے, جس رسول کے دربار میں زور سے بولنا حرام ہے. جب یہ شہزادے پہنچتے ہیں نانا کو آواز دیتے ہیں, نبی کونین تشریف فرما ہے. کون؟ حسن و حسین آئے ہیں, آ جاؤ شہزادو. حسن و حسین اپنے نانا کی گود میں گئے, بیٹھ گئے, تختی رکھ دیا. عرض کیا نانا حضور ہم یہ لکھ کر کے لائے ہیں, ہماری تحریر کو آپ دیکھو لکھنا کس کا اچھا ہے, کیسے انداز سے یہ سوال اپنے نانا کی بارگاہ میں کیا ہوگا. حضرت امام حسن امام حسین کے مقدس چہروں کو اللہ کے رسول دیکھتے ہوئے مسکرا پڑتے ہیں. اللہ کے رسول سارے جہاں کے لوگوں کو فیصلہ عطا فرمانے والے ہیں, میرے آقا فیصلہ نہ دیں گے تو کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, تب تک حضرت جبریل آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب آپ کو سلام پیش فرماتا ہے, ان دونوں شہزادوں کی تحریر کا فیصلہ رب فرمائے گا. جبریل رب فرمائے گا؟ ہاں میرے آقا رب فرمائے گا. رب نے مجھ کو موتیوں کا سات دانہ دیا ہے. ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیب عطا فرمایا ہے, اس کو ہم اچھال رہے ہیں, اور جس کی طرف زیادہ ہوگا اس کی تحریر اچھی ہے, جس کی طرف کم ہوگا اس کی تحریر اس سے کم تر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبریل اپنا کام کرو. حضرت جبریل نے جب ان دانوں کو اچھالا تو اللہ کی مشیت ملاحظہ فرمائیے, دانے اچھلتے ہیں زمین پر آتے ہیں تو تین تین تو برابر برابر دانے آئے, اور ایک دانے کا آدھا حصہ ہو گیا, آدھا ایک تحریر پر پڑ جاتا ہے, آدھا ایک تحریر پر پڑ جاتا ہے. فیصلہ صادر ہو گیا کہ حضرت فاطمہ سے لے کر کے علی, اور علی سے لے کر نبی, اور نبی سے لے کر خدا, خدا کی بارگاہ میں دونوں کا درجہ ایک ہے, اور دونوں کا ٹھکانہ ایک ہے, دونوں کی تحریک ایک ہے. یہی دونوں ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. کتنا پیارا نام ہے ذرا دیکھو دونوں کا, کتنا پیارا نام ہے پیارے, کتنا اچھا نام رکھا گیا. دنیا میں حضرت امام حسن و حسین سے پہلے کسی کا نام نہیں حسن و حسین تھا, یہ خصوصیت ملاحظہ فرمائیے. جیسے سرکار کے نام سے پہلے محمد دنیا میں کسی کا نام نہیں تھا, حضرت امام حسن و حسین کے نام سے پہلے بھی دنیا میں کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا. اللہ اکبر, یہ پہلا نام حضرت امام حسن کا ہے, یہ پہلا نام حضرت حسین کا ہے. تو یہ بھی آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ یزید سے پہلے تمام لوگ اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے, لیکن جب سے واقعہ کربلا ہوا کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا ہے, فطری طور پر کوئی نہیں رکھ رہا ہے. خدا کی قسم ساری دنیا کا لٹریچر پڑھ ڈالو, کمپیوٹرائز سے دیکھو, ٹیلی فون موبائل سے دیکھو, اخباروں کو دیکھو, سارے ملکوں کو دیکھ ڈالو, بتاؤ کسی ملک میں کسی نے اپنا نام یزید رکھا ہو. نہ کوئی غیر مسلم رکھ رہا ہے, نہ کوئی عیسائی رکھ رہا ہے, نہ کوئی یہودی رکھ رہا ہے, کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھ رہا ہے, اور سارے لوگ خوش عقیدگی میں اپنے بچے کا نام حسین رکھ رہے ہیں. کتنا پیارا نام ہے حضرت امام حسن کا, حسین کا, اپنے بچوں کا نام حسن رکھ رہے ہیں. کتنا پیارا نام ہے ان دونوں شہزادوں کا. اللہ اکبر, دونوں شہزادوں کی فضیلت کا حال یہ ہے, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے اعلان کر دیا جاتا ہے چاند طلوع ہو گیا, کلید ہونے والی ہے. ذرا نبی کونین کی شہزادی کو دیکھو, شہزادی نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تو جنت سے کھانا آ رہا ہے, فاطمہ نے دعا مانگی تو جنت سے حضرت فاطمہ کا جوڑا آ رہا ہے, حضرت خاتون جنت کے دونوں شہزادے مدینہ شریف کی گلیوں میں اور بچوں کے ساتھ سیر و تفریح میں لگے ہیں. اعلان ہو جاتا ہے کہ سویرے عید ہونے والی ہے, عید کا اعلان ہونا تھا کہ بچے مچلتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. ایک دوسرے سے کوئی بچہ کہتا ہے میرا کپڑا بڑا اچھا ہے, کل میں بہت زرتبر کپڑا پہن کر کے عیدگاہ جاؤں گا. سب لوگ ذکر کرتے کرتے ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں, دونوں شہزادے بھی پہنچ گئے, ماں کی گود میں پہنچے, آنچل کو تھام لیا. امی سنا کیا اعلان ہو گیا ہے, نانا جان کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے, شہادت ہو گئی ہے, چاند دیکھا گیا, کل عید ہے, عید. حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا ہاں بیٹو کل عید ہے, لیکن امی یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں کے لیے بھی نیا کپڑا ہے کہ نہیں. شہزادو ہے تمہارے لیے نیا کپڑا؟
अम्मी जान मैंने फलां को देखा है। वो हवाला दे रहा था कि हमारे कपड़े तैयार होकर के आ गए, लेकिन हमारे कपड़े तैयार होकर के आए तो हैं कहां, कहां रखे हैं। हजरत खातून ने जन्नत की आंखें छलक गई। आप अपने शहजादों से फरमाया, बेटो घबराओ नहीं, तुम्हें सवेरे सवेरे ईदगाह में जाने से पहले पहले तुम्हें जोड़ा नया मिल जाएगा। शहजादों को तसल्ली हो गई। रात गुजर रही है, शहजादों की आंखें लग गई हैं। खातून जन्नत ने ईद की कोई तैयारी नहीं की। लोगों के घरों पर तो सेवइयों की तैयारियां हो रही हैं, खाने पीने की चीजों की तैयारियां हो रही हैं, कपड़ों की तैयारियां हो रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहजादी तशरीफ फरमा है। अपने दिल में सोचती हैं कि मदीना के बच्चे कल नए नए कपड़े पहन करके ईदगाह में जाएंगे। मेरे शहजादों ने भी मुझसे पूछ लिया है, अम्मी हमारा कपड़ा आया कि नहीं। मैंने कह दिया है, बेटा इंतजाम हो जाएगा। अगर सवेरे सवेरे मेरे शहजादों को नया कपड़ा ना मिला तो मेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा। वो कहेंगे, ये मेरी माँ मुझे झूठ तसल्ली देती है, झूठ बहाना करती है। ए अल्लाह, तू अपने इन शहजादों के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों की लाज रख ले। खातून जन्नत ने वजू किया, मुसल्ला उठाया, नमाज ईशा अदा करने के बाद फिर तस्बीह और तहलील करती हैं, फिर नमाज पढ़ रही हैं, रब को याद कर रही हैं। ईद की रात है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की रात इबादत में गुजर रही है। ए मुस्लिमा औरतों, तुम देखो रसूलुल्लाह की शहजादी ने ईद की रात में किस तरह से इबादत और रियाजत में रात को गुजारा है। हजरत खातून जन्नत रात गुजारती चली जा रही है। तीसरा पहर आ जाता है, आंसुओं की लड़ी लग जाती है। बारगाह इलाही में अपने हाथों को बुलंद करके रसूलुल्लाह का वास्ता पेश करके अर्ज करती हैं, परवरदिगार तेरे नबी की बेटी हो, मौला खातून जन्नत ने तेरी बारगाह में जब जब सवाल किया है तो तूने अपने नबी के वसीले से अता किया है। मेरे मौला मेरी जबान रद न फरमा। खातून जन्नत दुआ करती चली जा रही है। सुबह का सफेदा फैला, नमाज फज्र पढ़ करके जैसे मुसल्ला पर बैठती है तब तक दरवाजा किसी ने खटखटाया। खातून जन्नत ने फरमाया, कौन? कहा, खातून जन्नत तुम्हारे हसन हुसैन का दर्जी है, ले लो जोड़ा, जन्नत से लेकर के आया हूं। तब तक हजरत खातून जन्नत ने जोड़ा को ले लिया पर्दे के आड़ से, कहने वाला चला गया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए मुस्कुराते हुए। फातिमा, हां अब्बा हुजूर, मेरे शहजादों का जोड़ा आ गया। हां अब्बा हुजूर, जोड़ा तो आ गया है, किसने कपड़ा दिया है? या रसूल अल्लाह, किसी ने आवाज दी। मैंने पूछा, कौन? तो उसने कहा, हसन हुसैन का दर्जी हूं, उनका कपड़ा लेकर के आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमा उनके कपड़ों को मुझे तुम दिखाओ। हजरत खातून जन्नत जब कपड़ों को दिखाती हैं तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, ए फातिमा, क्या तुझे मालूम है कि यह कपड़ा कौन लाया था? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, हमें नहीं मालूम। आका फरमाते हैं, खातून जन्नत, ए फातिमा, ये तेरे शहजादों का कपड़ा तेरे दरवाजे पर दर्जी बनकर के लाने वाले जिब्रील अमीन है, अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता है। वो फातिमा का दरवाजा है, वो हुसैन का मर्तबा है, वो हमाम हसन का मर्तबा है। अल्लाह ताला अपने महबूब के शहजादों की खुशी के लिए सैयदुल मलाइका के जरिया से जन्नत का जोड़ा अता फरमा रहा है। रब की मशीयत थी हुसैन इम्तिहान से गुजरा है, वरना हजरत इमाम हुसैन के लिए फरिश्तों की बारात आ जाती। बद्र के मैदान में फरिश्तों की जमात आई थी। खुदा की कसम, हजरत इमाम हुसैन चाह लेते तो फरिश्तों की जमात उतर आती, नुसरत इलाही बनकर के आ जाते। मगर मकसद यही है कि सब्र की तलवार से काट देना जुल्म की गर्दन को, ये कानून नाफिज कर देना है और कुरान की आयत की तफसीर बन जाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, ए ईमान वालों, नमाज से मदद मांगो और सब्र से मदद मांगो। अगर नमाज से मदद मांगने का माहौल देखना है तो करबला का मैदान देख लो, और साबिर और शाकिर की जात को देख लेना है तो हजरत इमाम हुसैन की जात देख लो। आयत की तफसीर बन करके आयत की अजमत और वकार का इजहार फरमा रहे हैं। ए मुसलमानों, ये हजरत इमाम हसन की जात है, ये हजरत इमाम हुसैन की जात है। अल्लाह ताला इन दोनों अजीम नफूस कुदसिया के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इमाम हुसैन और करबला का मैदान, हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत और हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों की शहादत, मदीना तैयबा से रवानगी, मक्का मुअज्जमा में कयाम और मक्का मुअज्जमा से रवानगी और करबला के मैदान में कयाम और शहीदों का खूनी मंजर, इंशाअल्लाह ये सारी बातें मैं कल आशूरा की रात है, 10वीं मुहर्रम है, उसमें बयान करूंगा। ठीक 9:30 बजे बैठ जाऊंगा, आप सब हजरात तशरीफ लाएं। ये महफिल नूर, जिंदाबाद पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत ला खो सलाम,
मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमय बज में हिदायत पेला खो सलाम कितने महके हुए हैं मदीने के फूल कितने महके हुए हैं मदीने के फूल करबला तेरी किस्मत पेला खों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खों सलाम शमय बज़्मी हिदायत पेला खों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद और काश महशर में जब उनकी आमद और भेजें सब उनकी शौकत पेला खों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी का है आराजा मुझसे खिदमत के कुदसी का है आराजा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्ला अलैका भीख दो लालों का सदका गोद के पालों का सदका करबला वालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्ला अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु अला नबी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामन अलैका या शफीअना यौमल जज़ा इंदल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुन मुस्तकीम बहक्ते या कना बुदू या कन स्तीन इलाही खैर गर्दानी बहक्ते शाह जिलानी या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नी फी बहर हम मुगरकुन खुजदी सही लना शकालना या अल्लाह रहम फरमा या अल्लाह करम फरमा या अल्लाह फजल फरमा मौला करबला वालों के नाम पर तेरी बारगाह में याद उठे हैं गौरे मुराद से पुर फरमा दे मौला हम सब अपनी खताओं से तेरी बारगाह में माफी मांगते हैं माफ फरमा दे या इलाहा आलमीन दुश्मनान दीन और हास्तीन के शर से और उनके फितना फसाद से बचा करबला वालों का सदका अता फरमा हजरत अली असगर का सदका अता फरमा हजरत अली अकबर की जवानी का सदका अता फरमा मेरे मौला करबला के प्यासों का सदका अता फरमा दे इलाहा आलमीन हम सब इम्तिहान के लायक नहीं हमारा इम्तिहान ना ले परवरदिगार आलम हजरत इमाम हुसैन के नाम पर तेरे जितने बंदे हम सब हाजिर हैं उनका नाम ले रहे हैं तेरा नाम ले रहे हैं मौला इसका अजर अता फरमा दे जहन्नम से बचा ले मौला हम सब की बख्शिश फरमा दे इलाहा आलमीन जिसकी तबीयत खराब हो उनको शिफा अता फरमा दे मोहम्मद फारूक साहब को शिफा अता फरमा दे हम में जितने लोग बीमार हो सबको शिफा अता फरमा दे किसी भी मुश्किल में हो इलाहा आलमीन उस मुश्किल से हमको आसानी अता फरमा दे परवरदिगार आलम इस महफिल में जितने तेरे बंदे इमाम आली मकाम के नाम पर हाथों को उठाएं सबकी मुश्किलों को आसान फरमा दे या अल्लाह सुन्नी रजा जामा मस्जिद के सदर मोहतरम आली जनाब सेठ अब्दुल मजीद साहब की मुश्किलों को हल फरमा दे गौस पाक के सदका में हल फरमा दे इलाहा आलमीन हर गौस पाक के नाम लेवा की मुश्किलों को हल फरमा दे परवरदिगार तुझे फजल करते नहीं लगती बार ना हो मायूस तुझसे उम्मीदवार काला ताला फिशान हबीब ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्ल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتاقب الاسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيته من التحيه والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا بجاه سيد النبي الامين المكين الرؤوف الرحيم الكريم امين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين وبه نستعين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعره تكبير نعره رسالات شهداء کربلا نعره تكبير نعره رسالات السلام علیکم یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی سامعین اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت منقبت نعت حمد سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز دکان نمبر 3 چھوٹا سوناپور نزد اکبر پیر بھائی کالج مولانا شوکت علی روڈ ممبئی نمبر 8 ٹیلیفون نمبر 309-1629 رضا انٹرپرائزز کی فخریہ پیشکش آؤ نماز سیکھیں نماز کے تعلق سے تفصیلی معلومات مثلا غسل وضو تیمم اذان تکبیر فرض واجب سنت اور نفل نمازیں اوقات نماز سجدہ سہو نماز جمعہ نماز وتر نماز تراویح صلاۃ التسبیح نماز قصر نماز تہجد نماز چاشت نماز اشراق نماز اوابین عیدین کی نماز اور نماز جنازہ ان سب کا طریقہ اور احکامات ایک ہی آڈیو کیسٹ کے ذریعے سیکھیں ہر مسلمان گھر کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ آؤ نماز سیکھیں ترتیب اور آواز حامد اقبال صدیقی اذان آیات اور عربی کلمات قاری مشتاق احمد تیغی پیشکش حاجی اصغر رضا شاہ ضرور سماعت کیجیے آؤ نماز سیکھیں ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز دکان نمبر 3 چھوٹا سوناپور نزد اکبر پیر بھائی کالج مولانا شوکت علی روڈ ممبئی نمبر 8 ٹیلیفون نمبر 309-1629 زائر طیبہ روضے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر خدا را میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تیری قسمت میرا اشکا رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے آ جاتا ہے سب کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر آئے میٹھا مدینہ مدینہ جب نظر آئے میٹھا مدینہ مدینہ جب نظر آئے میٹھا مدینہ ادب اپنے سر کو جھکا کر ادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا جب کے پیشے نظر جالی
کہانی سنا کر خدا را میرے غم کی کہانی سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا پیاری پیاری وہ جب جنت کی کیاری چوم لینا نگاہوں سے ساری چوم لینا نگاہوں سے ساری بحر رحمت میں غوطہ لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا ساز گنبد کے دلکش نظارے روح پرور وہاں کے مینارے روح پرور وہاں کے مینارے ان کے جلووں میں خود کو گھما کر جلووں میں خود کو گھما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے احد کے ہیں شہداء اور جتنے احد کے ہیں شہداء سبھی کے مزاروں پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا ظاہر طیبہ میرا فسانا خوب رو رو کے ان کو سنانا خوب رو رو کے ان کو سنانا سنانا خوب رو رو ان کو سنانا سوز الفت میں دل کو جلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا رو رہا ہے ہر ایک غم کا مارا عرض کرتا ہے تجھ سے بیچارا عرض کرتا ہے تجھ سے بیچارا میری بھی حاضری کی دعا کر خدا را میری بھی حاضری کی دعا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میری بھی حاضری کی دعا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا وہ مدینے کے مدنی نظارے دل کشاغل ربا پیارے پیارے دل کشا دل ربا پیارے پیارے ان نظاروں پہ قربان جا کر خدا را ان نظاروں پہ قربان جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا بے بس ہو غم کے ماروں کو کہنا بے قصوں دل فگاروں کو کہنا بے قصوں دل فگاروں کو کہنا خود بھی رو کر انہیں بھی رلا کر خود بھی رو کر انہیں بھی رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھ کو برادر جب نظر آئے تجھ کو برادر ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر
तू सलाम मेरा रो रो के कहना, तू सलाम मेरा रो रो के कहना, तू सलाम मेरा रो रो के कहना। उनकी खिदमत में कहते थे कहना, सबको बुलवा वो रोजे पे कहना, सबको बुलवा वो रोजे पे कहना, सबकी जानिब से ये इल्तिजा कर खुदारा, सबकी जानिब से ये इल्तिजा कर, तू सलाम मेरा रो रो के कहना, तू सलाम मेरा रो रो के कहना, तू सलाम मेरा रो रो के कहना। मांगना मत तू दुनिया की दौलत, मांगना से बस उनकी उल्फत, मांगना बस तू बस उनकी उल्फत, हाँ जरा खूब दिल को लगा कर खुदारा, हाँ जरा खूब दिल को लगा कर, तू सलाम मेरा रो रो के कहना, कहना तार शाये वाली है फकत तुझ से तेरा सवाली है, फकत तुझ से तेरा सवाली, तू सवाली इसका पूरा शाह कर, तू सवाली इसका पूरा शाह कर, तू सलाम मेरा रो रो के कहना, जाहिर तै बरोजे पे जाकर, सलाम मेरा रो रो के कहना, मेरे गम का फसाना सुना कर, तू सलाम मेरा रो रो के कहना। उन पर दुरूद जिनको कसीबे का साथ है, पर सलाम जिनको खबर बे खबर की है, पर सलाम जिनको खबर बे खबर की है, जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है, शमसो कमर सलाम को हाजिर सलाम, खूबी इन्हीं की जोत से शमसो कमर की है, सब बहारों पर सलाम को हाजिर है असलाम, तमनी किनी के नाम की हर बाहर रोबर की है, कमली किन्हीं के नाम तो हर बाहर रोबर की है, संगो शजर सलाम को हाजिर सलाम, संगो शजर सलाम को हाजिर है असलाम, कलमे से तर जबान दरख्तो हजर की है, कलमे से तर जबान दरख्तो हजर की है, और दो असर सलाम को हाजिर सलाम, मल जा ये बार गाह दुआओ असर की है, शोरी दसर सलाम।